तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को तुम्बाड फिल्म की पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताते हुए इस फिल्म से जुड़ी कुछ थ्योरीज पे भी बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में ढेर सारी स्पॉयलर्स होने वाली है, तो अगर आपने अब तक तुम्बाड मूवी नहीं देखी है तो आप पहले इस फिल्म को देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये एक एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म है। दोस्तों, 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड फिल्म के मुख्य कलाकार सोहम शाह है और इस फिल्म को राही अनिल बारवे ने अदेश प्रसाद के साथ मिलकर डायरेक्ट किया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 8.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 88% फ्रेश। फिल्म की शुरुआत में हमें वीएफएक्स द्वारा हस्तर के बारे में बताया जाता है, पूर्ति की देवी जो कि अंतहीन सोना और अनाज का प्रतीक है और ये पृथ्वी उनकी कोख है। देवी ने अपने कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया, लेकिन देवी को सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान हस्तर से था। हस्तर देवी का सारा सोना और अनाज पाना चाहता था और उसने अपनी मनमानी से सोना तो उठा लिया, लेकिन जब उसने अपना हाथ अनाज पे डाला तो दूसरे देवताओं ने हस्तर पे वार कर दिया। इस हमले से हस्तर तिनकों में बिखर गया और इससे पहले वो मारा जाता, देवी ने उसे बचा लिया। लेकिन दोस्तों, बचाने की शर्त ये थी कि हस्तर को आज से कोई भी नहीं पूछेगा। कई युग बीत गए और हस्तर देवी की कोख में सोता रहा, लेकिन तुम्बाड गांव के पूर्वजों ने हस्तर की मंदिर बना डाली। तब से इस गांव में देवी देवताओं का क्रोध बारिश बनके बरस रहा है और हस्तर का शाप हमारे लिए वरदान है। आखिर कैसे, ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, इस इंटेंस इंट्रो के बाद मूवी शुरू होती है और फिल्म 3 चैप्टर्स में विभाजित है। पहले चैप्टर की समय काल सन 1918 की है और हम व्यूअर्स यहाँ दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम विनायक और सदाशिव है। इन दोनों बच्चों की एक माँ थी जो कि सरकार नाम के इंसान के घर में काम करती थी। सरकार एक लैंडलॉर्ड टाइप का इंसान था जो कि बहुत ही बूढ़ा था और विनायक की माँ उसके वाड़े में सोने की मुद्रा के लालच में काम कर रही थी। इतना ही नहीं, हम व्यूअर्स देखते हैं कि विनायक के घर में उसकी दादी बंधी हुई थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई 100 सालों से जिंदा है। तो दोस्तों, कहानी में आगे हमें पता चलता है कि सरकार की आपातकालीन मृत्यु हो गई, जिससे ये परिवार अगले दिन तुम्बाड छोड़ के पुणे जाने की सोचते हैं। विनायक का कहना था कि सरकार के मरने के बाद वाड़ा उनका हुआ और वो वाड़े के अंदर का छुपा खजाना ढूंढेंगे। विनायक की माँ कहती है कि सरकार पूरी जिंदगी वो खजाना ढूंढता रहा और उसे कुछ नहीं मिला, विच मीन्स कि खजाना है ही नहीं। इस बात पे विनायक का कहना था कि खजाना सच में है और इस खजाने के बारे में बुढ़िया यानी उसकी दादी को जरूर पता होगा। तो ठीक उसी दिन हम विनायक के भाई सदाशिव को देखते हैं जो एक ऊंची पेड़ की टहनी से गिर जाता है, जिससे उसे बहुत गहरी चोट आती है। सदाशिव की माँ उसे पास के वैद्य के पास ले जाने की सोचती है और वो विनायक को अपनी दादी को खाना देने को बोलती है। वो बोलती है कि अगर उसकी दादी कुछ अजीब बर्ताव करे तो विनायक उन्हें सोजा वरना हस्तर आ जाएगा बोल के सुला सकता है। अब विनायक जब अपनी दादी को खाना देने जाता है तो वो उसे अपनी तरफ खजाने के बारे में बात करके आकर्षित करती है। इस वक्त तक विनायक भूल चुका था कि उसे दादी को सुलाने के लिए क्या कहना है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि दादी विनायक के पैर में जंजीर बांधकर उसे अपने कमरे की तरफ खींचने लगती है। दादी बहुत ही भयावह रूप में थी, मानो उन पे किसी तरह का शाप हो या फिर वो एक इंसान ही नहीं हो और वो विनायक को ही खा जाने की बात कर रही होती है। लेकिन विनायक किसी तरह बचता है और ऐन वक्त पे उसे अपनी दादी को सुलाने वाली पंक्ति याद आ जाती है। वो चिल्लाता है, सो जा दादी वरना हस्तर आ जाएगा, और ऐसा बोलते ही विनायक की दादी सो जाती है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स देखते हैं कि विनायक का भाई सदाशिव अपनी जान गवा बैठा था और इस बात से उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा गम में थी। विनायक और उसकी माँ सदाशिव के शरीर को आग देते हैं और वो लोग तुम्बाड छोड़ के पुणे जाने लगते हैं। हम यहाँ विनायक को फिर से खजाने के बारे में बात करते देखते हैं और इस बात से उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है। वो विनायक से वादा करवाती है कि विनायक कभी भी तुम्बाड वापस नहीं आएगा। यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होती है। इस चैप्टर में गौर करने वाली बात यह थी कि तुम्बाड में हमेशा बारिश होती रहती थी और विनायक का पूरा खानदान लालची था।
विनायक की माँ सोने की मुद्रा के लिए सरकार को सेक्सुअल प्लेजर्स भी दे रही थी, लेकिन जब उनका बेटा सदाशिव मरा तो उन्हें अपने इस लालच का एहसास हुआ, जिससे उन्होंने गांव छोड़ने की ठानी। लालच में विनायक अपनी माँ से भी एक कदम आगे था और उसे एक सोने की मुद्रा नहीं बल्कि पूरा खजाना चाहिए था। तो इसके बाद शुरू होता है चैप्टर 2 और ये कहानी सन 1918 से 15 साल बाद की कहानी है। विनायक राव अब जवान हो चुका था और हम व्यूअर्स उसे तुम्बाड़ वापस लौटते देखते हैं, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और जब उसकी माँ ही इस दुनिया में नहीं है तो उनका दिया हुआ वादा भी इस दुनिया में नहीं है। विनायक तुम्बाड़ में अपने पुराने घर में जाता है जहाँ उसे ढेर सारे पेड़ पौधे दिखते हैं और इन सब के बीच विनायक को एक इंसानी दिल दिखता है जो कि अब भी धड़क रहा था। ये दिल विनायक के दादी की थी और वो अब भी जिंदा थी। उनके पेट से एक विशालकाय पेड़ बाहर निकल चुका था और विनायक अपनी दादी से खजाने के बारे में वापस पूछने लगता है। पहले तो विनायक की दादी उसे लालची पुकारते हुए खजाने के बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन विनायक बार बार उन्हें ये बोलकर मना रहा था कि अगर उसने इस खजाने पर दावा नहीं किया तो कोई और कर लेगा। दादी बताती है कि वो हस्तर के शाप की वजह से अमर हो चुकी है और अगर विनायक उन्हें जलाकर इस शाप से मुक्ति देगा तो वो विनायक को इस खजाने का राज बताएगी। ठीक ऐसा ही होता है और अगली सीन में हम विनायक को अपनी दादी को जलाते हुए देखते हैं। इसके बाद विनायक कई दिनों तक वाड़े में खजाना ढूंढता है और उसे शायद इस खजाने का राज भी पता चल चुका था। तो इसके बाद हम विनायक को पुणे वापस लौटते देखते हैं और कई दिनों तक तुम्बाड़ में रहने की वजह से विनायक की दाढ़ी और बाल काफ़ी बड़े हो गए थे। विनायक के गैर मौजूदगी में उसकी बीवी आटा पीसने का काम करने लगी थी और हम व्यूअर्स विनायक को वापस प्रॉपर लुक में आते देखते हैं। तैयार होकर विनायक सीधा अपने मुनीम के पास जाता है जहाँ वो अपनी पुरानी कर्ज उतारने की बात करता है। विनायक का कर्ज था 36 रुपए और इस कर्ज को उतारने के लिए वो मुनीम को एक सोने की मुद्रा देता है जिसका बाजारी मूल 100 रुपए था। विनायक मुनीम से बाकी के पैसे लेता है और वो मुनीम को 3 और सोने की मुद्रा बेचने की बात करता है। इस बात को सुनकर मुनीम डर जाता है कि कहीं विनायक किसी का खून करके तो ये सारी दौलत ला नहीं रहा है, लेकिन विनायक का कहना था कि ये उसका पुश्तैनी खजाना है। इसके बाद हम व्यूअर्स विनायक को बार बार तुम्बाड़ जाते देखते हैं जहाँ से वो हमेशा सोने की मुद्रा लाया करता था, जिससे वो दिन प्रतिदिन काफ़ी अमीर होता जा रहा था। वो अब खुद के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद लिया था और वो अपने मुनीम को ही उधार देने लग गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुनीम की जान पहचान एक ब्रिटिश ऑफिसर से थी और उस ऑफिसर का एक महीना में तबादला होने वाला था। जाने से पहले वो ऑफिसर मुनीम को कुछ ज़मीन बेचने का प्रस्ताव रखता है और उन ज़मीनों को खरीदने के लिए मुनीम को ढेर सारे पैसे चाहिए थे। पैसा पाने के लिए मुनीम विनायक को इस सोने के धंधे में पार्टनर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन विनायक इस पार्टनरशिप में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेता है। हारकर मुनीम ठान लेता है कि वो खुद भी तुम्बाड़ जाएगा ताकि वो भी उस वाड़े में सोने की मुद्राएं ढूंढ सके। विनायक को पुणे में ही 2 दिन तक रोकने के लिए मुनीम उसे एक विधवा औरत बेच देता है ताकि विनायक उसके साथ रास लीला रचाते रहे। ठीक ऐसा ही कुछ होता भी है, लेकिन ये औरत विनायक से 100 रुपये लेकर उसे ये बताती है कि मुनीम ने उसे 50 रुपये दिए ताकि वो विनायक को यहाँ रोक सके और मुनीम खुद तुम्बाड़ जाके सोने की मुद्राएं ला सके। इस बात का पता चलते ही विनायक फौरन तुम्बाड़ वापस जाता है जहाँ उसे मुनीम दिखता है। विनायक जानबूझकर अनजान बनते हुए मुनीम के सामने उस वाड़े के कुएं में जाता है और कुछ ही घंटों बाद वो उस कुएं से कुछ सोना लेकर बाहर आता है। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि विनायक कुएं के अंदर एक टिफिन बॉक्स लेकर गया था, लेकिन वो बाहर खाली हाथ आया था। विनायक के कुएं से दूर जाते ही मुनीम भी उस कुएं के अंदर जाता है और उसे वहां एक बड़ा सा ट्रंक शेप में दरवाज़ा दिखता है जिसके ऊपर पूर्ति की देवी की इंग्रेविंग्स थी। मुनीम उस दरवाजे को खोल के और भी अंदर उतरता है और वहां हम व्यूअर शायद देवी की कोख देख पाते हैं, क्योंकि इस जगह की दीवार एकदम लाल थी और वो अजीब तरीके से काइंड ऑफ हिल भी रही थी। इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये किसी के शरीर का अंदरूनी हिस्सा है जो कि सांस ले रहा है। मुनीम को यहाँ बस विनायक की टिफ़िन रखी दिखती है और इस टिफ़िन के अंदर एक आटे की गुड़िया थी।
टिफिन खोलते ही हम व्यूअर्स किसी अनजान आकृति को काफी तेजी से इधर उधर भागते देखते हैं और ये आकृति मुनीम को उठा ले जाती है। इसके बाद हम विनायक को यहाँ वापस आते देखते हैं और वो अपने साथ एक आटे की गुड़िया लेकर आया था। विनायक हस्तर को पुकारता है एंड दिस इज द फर्स्ट सीन जहाँ हम व्यूअर्स हस्तर को पहली बार देख पाते हैं। नाउ आई नो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ हो क्या रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर विनायक सोने की मुद्राएं कैसे निकालता था। तो दोस्तों हस्तर को शाप था और इस शाप की वजह से वो अनाज को छू तक नहीं सकता था। विनायक देवी की कोख में जाकर सबसे पहले एक आटे का घेरा बनाता था ताकि हस्तर इस घेरे के अंदर ना आ सके और फिर वो हस्तर को बुलाकर उसे आटे की गुड़िया खाने के लिए देता था। अब हस्तर इस आटे की गुड़िया को इसीलिए खा पाता था क्योंकि ये वो खुद से लेना या चुराना नहीं चाह रहा था बल्कि उसे इंसान द्वारा दिया गया था। जब तक हस्तर इस आटे की गुड़िया को खाता, विनायक दौड़कर हस्तर के कमर में बंधे पोटली को खोल देता था जिससे ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर गिरते थे। विनायक इन सिक्कों को जल्दी से कलेक्ट करके वहां से रस्सी पे लटकते हुए भागता था क्योंकि अगर हस्तर उस गुड़िया को खा के खत्म कर लिया तो वो विनायक की तरफ आएगा और उसे छू लेगा। हस्तर के छूने से इंसान अमर हो जाता है लेकिन वो इंसान अजीब सा बन जाता है जो कि एक शाप से कम नहीं है। यही वजह है कि विनायक की दादी इतने सालों से जिंदा थी और उनके शरीर पे पेड़ वगैरह निकलने लगे थे लेकिन वो मरी नहीं थी क्योंकि विनायक से पहले वो इस कुएं में आके हस्तर का खजाना चुराती थी और ऐसे ही एक बार चोरी करते वक्त हस्तर उन्हें छू लिया था। फिलहाल हस्तर मुनीम को छू लिया था और मुनीम देवी की कोख में ही हमेशा के लिए फंस चुका था। यहाँ से भागने से पहले विनायक मुनीम के शरीर में आग लगा देता है ताकि उसे इस शाप से मुक्ति मिल जाए। एज ऑलवेज हस्तर विनायक की तरफ भागता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि वक्त रहते विनायक यहाँ से बाहर निकलकर गुफा के दरवाजे को बंद कर चुका था। यहाँ खत्म होती है चैप्टर 2 और इस चैप्टर में हम हस्तर से सोने चुराने की विधि को जान पाते हैं। अब दोस्तों चैप्टर 3 की कहानी शुरू होती है 14 साल बाद जब भारत आज़ाद हो चुका है और विनायक की दौलत और शोहरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विनायक के 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा है लेकिन विनायक का बेटा एक पैर से अपाहिज है। विनायक की भी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है और अब वो पहले की तरह फुर्तीला नहीं रहा जिसके कारण वो कुएं से सोना नहीं निकाल पा रहा था। वो अपने बेटे को रस्सी चढ़ने की ट्रेनिंग घर पे दे रहा था लेकिन एक पैर से अपाहिज होने के कारण विनायक का बेटा उतना फुर्तीला नहीं था। फिर भी वो अपने बेटे को एक दिन तुम्बाड ले जाता है ताकि वो उसे रियल सिनेरियो दिखाकर ट्रेन कर सके। विनायक अपने बेटे को आटे की डॉल बनाना सिखाता है और वो बोलता है कि इस डॉल के अंदर कुछ पत्थर रखना ज़रूरी है क्योंकि हस्तर पत्थर भी खा जाता है और ऑब्वियसली पत्थर खाने में हस्तर को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है जो इन्हें सिक्के चुराने के लिए ज़्यादा टाइम देती है। अब चूँकि ये सिर्फ ट्रेनिंग के लिए था, विनायक अपने बेटे को ये डॉल बाहर ही फेंक देने को बोलता है ताकि हस्तर ना आए और विनायक अपने बेटे को अंदर ले जाकर सिर्फ देवी की कोख दिखा सके। लेकिन विनायक का बेटा इस डॉल को अंदर ले आता है और हस्तर यहाँ आ जाता है। विनायक किसी तरह अपने बेटे को हस्तर से बचाता है और वो ये डॉल हस्तर की तरफ फेंकता है। हस्तर डॉल को खाने लगता है और विनायक का बेटा हस्तर की पोटली खोलकर कुछ सोने की मुद्राएं चुराकर यहाँ से भागता है। ये दोनों किसी तरह यहाँ से बच निकलते हैं और विनायक अपने बेटे को आटे की डॉल अंदर लाने के लिए काफ़ी पीटता है। विनायक के हिसाब से ये काफ़ी रिस्की था विच एक्चुअली इट वॉज, लेकिन विनायक का बेटा इस बात से खुश था कि उसने हस्तर से सोने की मुद्राएं चुरा लिए। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि विनायक का बेटा विनायक से भी ज़्यादा लालची था और वो ऐसा क्यों था, इस टॉपिक पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये दोनों पुणे वापस आते हैं और विनायक का बेटा अपनी पहली कमाई से काफ़ी खुश था। वो इन पैसों को उड़ाना चाहता था और इतने कम उम्र में उसे लड़कियां भी चाहिए थी। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि तुम्बाड का वड़ा भारत सरकार को दान में दे दिया गया है और आज से 1 हफ्ते बाद विनायक इस वड़े के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि इसे बाहर से सरकार लॉक कर देगी। ये बात सुनकर विनायक काफ़ी चिंतित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। उस वक्त विनायक का बेटा एक खतरनाक आइडिया देता है। वो बोलता है कि क्यों ना ये दोनों मिलकर हस्तर की पोटली को ही चुरा ले जिसके अंदर अनगिनत सोना है।
पोटली चुराने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए होगा और इस वक्त को पाने के लिए वो लोग ढेर सारी आटे की गुड़िया अंदर ले जाएंगे। हस्तर एक खाएगा तो वो लोग दूसरा फेंकेंगे और इस तरह से उन्हें काफी वक्त मिलेगा। विनायक ने इस ढंग से कभी सोचा नहीं था और उसे ये आइडिया काफी पसंद आती है। फिर क्या था, दोनों बाप बेटे वापस वाड़े के अंदर जाते हैं और इस बार उनके पास ढेर सारे आटे की गुड़िया थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम एक दो नहीं बल्कि कई हस्तर को आते देखते हैं, मतलब जितनी आटे की गुड़िया उतना हस्तर। इन दोनों का प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था और अब इस कुएं से बच के निकलना नामुमकिन था, क्योंकि अगर ये लोग एक गुड़िया फेंकते थे तो सारे हस्तर उसे एक साथ खाते थे, जिसके कारण वो 2-3 सेकेंड्स में ही एक गुड़िया को खाकर खत्म कर दे रहे थे। विनायक समझ गया था कि अब यहाँ से निकलने का कोई उपाय नहीं है, इसीलिए वो अपने शरीर पे सारे आटे की डॉल्स बांध लेता है और वो रस्सी पकड़ के ऊपर की ओर भागता है। सारे हस्तर विनायक की तरफ भागते हैं और इतने में विनायक के बेटे को बाहर निकलने का वक्त मिल जाता है। बाहर दरवाजे पे भी इन्होंने आटे का घेरा बनाया था और ढेर सारे हस्तर इस घेरे को पार करते ही तिनकों में बिखर जाते हैं। विनायक का बेटा रोते हुए वाड़े से बाहर निकलता है और वो वहाँ अपने पिता विनायक को देखता है, जिन्हें अब शाप लग गया था। विनायक अजीब से रूप और आकार में परिवर्तित हो गया था और वो भी अब हमेशा के लिए अमर हो चुका था। लेकिन दोस्तों, विनायक हस्तर की पोटली चोरी करने में कामयाब हो गया था और वो अपने बेटे से चिल्लाते हुए इस पोटली को लेने को बोलता है। विनायक का बेटा अब इस बात को समझ चुका था कि लालच बुरी बला है और लालच की वजह से ही उसने आज अपना पिता खो दिया है, इसीलिए वो ये पोटली लेने से इनकार करता है और वो विनायक को जलाकर मुक्ति दिलाता है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों, मुझे पता है कि आप सबके मन में कई सवाल होंगे, तो मैं एक एक करके इस फिल्म की सारी थ्योरीज एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल ये कि अंत में इतने सारे हस्तर कैसे आ गए और क्या हस्तर मारा गया? दोस्तों, मेरा मानना है कि हस्तर एक देव है जिसके अनगिनत रूप हैं। आप जितने टुकड़ों में उसे खाने का अनाज दोगे वो उतने ही रूप में आपसे अनाज लेने आएगा। अब चूंकि हस्तर के अनगिनत रूप हैं, वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि मूवी के एंड में तकरीबन 12-14 हस्तर ही घेरे के अंदर आकर तिनकों में बिखर गए थे। अभी तो अनगिनत हस्तर और भी आ सकते हैं और वो कभी मारा नहीं जा सकता है। दूसरा सवाल ये कि अगर हस्तर अनाज को छू नहीं सकता था तो वो आटे से बनी गुड़िया को कैसे खा पा रहा था? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि हस्तर अनाज को अपनी मर्जी से छू नहीं सकता था, लेकिन अगर उसे किसी के द्वारा अनाज दिया जाता है तो वो उसे ज़रूर खा सकता है। रही बात की आटे को गुड़िया के शेप में क्यों बनाया जाता था, तो दोस्तों वो आटा कहीं ना कहीं हस्तर को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये शेप दिखने में हस्तर की मूर्ति जैसी ही है। अब दोस्तों, अगर आप तुम्बाड़ फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमें एक ब्राह्मण फैमिली की 3 जनरेशंस दिखाई गई है। विथ एवरी कमिंग जनरेशन लोगों के अंदर लालच और कामुकता बढ़ती जा रही थी। विनायक की माँ एक सोने की मुद्रा के लिए लालची थी और उनकी आंखें तब खुली जब उनका बेटा मारा गया। विनायक और भी लालची था और उसके अपनी पत्नी के अलावा भी ढेर सारे संबंध थे, विच शोज कि उसके अंदर लालच के साथ साथ कामुकता भी थी। विनायक का बेटा उससे भी एक कदम आगे था, जिसे 13-14 साल के उम्र से ही लड़कियां चाहिए थी और सारा सोना एक साथ चुराने का भी आइडिया उसी का था। अपने पिता को खोने के बाद उसकी आंखें खुली और उसे लालची होने का सबक मिल गया। अब विनायक जहां से सोना चुराने जाता था वो देवी की कोख थी और यही वजह है कि वो जगह एकदम लाल थी और वहां नर्व जैसे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। मूवी के दौरान हमें बताया जाता है कि विनायक की दादी उस कुएं में सबसे तेज चढ़ती थी और यही वजह है कि पुराने समय में वो हस्तर से सोना चुराया करती थी। अब हालांकि फिल्म में 2 छोटे-छोटे प्लॉट होल्स हैं, लाइक फर्स्ट चैप्टर में विनायक के भाई सदाशिव के होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर वो इस फिल्म में नहीं होता तो भी मूवी की स्टोरी सेम ही होती, और ऐसे और भी 1-2 छोटे-छोटे प्लॉट होल्स हैं। लेकिन ओवरऑल ये बॉलीवुड की तरफ से काफ़ी अच्छी कोशिश थी और मुझे पर्सनली ये फिल्म काफ़ी पसंद आई और यही वजह है कि मैं इस फिल्म को काफ़ी रिकमेंड कर रहा था। नाउ, अगर आपके पास इस मूवी से रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।